कहते जिंदगी दे अंदर माड़ा यार माड़ा प्यार ते माड़ा हथियार हमेशा धोखा दिंदे ने किथे जाके दिंदे ने वक्त दा कोई पता नहीं। कहते वधिया यार वधिया प्यार ते वधिया हथियार बंदे दे नाल रब वांगू तुरदे ने। जदों किते कहिंदे तिन्ने चीज़ां साथ देण वालियां हुंदियां ने छेती किते बंदे नूं रब याद नहीं आउंदा। जदों कहिंदे तिन्ने चीज़ां दगा दिंदियां ने बंदे दी जिंदगी च की फायदे हुंदे ने की नुकसान हुंदे ने। पहलियां माड़ियां तिन्न चीज़ां कहिंदे एक माड़ा हथियार दूजा मुल दा प्यार एक माड़ा हथियार दूजा मुल दा प्यार तीजा कौली चट यार नहीं हो लगियां नभाउंदे लगियां Oh,
कहिंदे गल निकली जबानों बंदा उठिया जहानों तीर छुट्टिया कमानों तिन्ने मुड़ के नहीं आउणे। या लालो पहली खाती हुई खराक दूजे चंगे अंग साग, पहली खाती हुई खराक दूजे चंगे अंग साग, तीजे चज दे जवाक बुढ़े वारे काम आउंदे बुढ़े वारे काम। लिखण वाले ने जिहड़ी सब तो वधिया गल लिखी है कहिंदे कम्मे आणा माड़ी तीवी बैली किंगरिया पुत दोवें इज्जत घटाउंदे। कहिंदे मर्द शख्सियत परमात्मा ने ऐसी बनाई है जो किते नहीं चुकदी बिना परमात्मा तो, पर जदों किते चुकाउण ते आउंदी है उहनूं औरत चुकाउंदी है, भावें उह बेटी दे रूप च चुका दे, भावें पत्नी दे रूप च चुका दे, भावें भैण दे रूप च चुका दे, भावें मां दे रूप च चुका दे। इको चीज मर्द जाति नूं चुकाउण वास्ते बणी है। कहिंदे इक औरत खानदान दे अंदर सही आ जाए तां सत पीढ़ियां सफल हो जांदियां, तां चुकियां जांदियां। कहिंदे इक औरत माड़ी आ जाए तां सत पीढ़ियां दागदार हो जांदियां। कहिंदे जिवें इक मिर्गी दी बीमारी है या कैंसर दा रोग है माड़ी औरत, जिवें सत पीढ़ियां तक कोई रोग पिछा करदा ना उसे तरह एक दाग सत पीढ़ियां तक पिछा करदा है। मैं एक गल सुनाउण लगी हाँ, बहुत वधिया माहौल है वैसे सभ्याचारक मेलियां च, इन्नी चुप चांत कलाकार नूं सुनना एक खुश नसीबी है। बहुत डूंगी गल है, सुनने वालों का अर्थ है जिहड़ा बहुत डूंगा निकलो। कहिंदे एक बारी कोई अंग्रेज भाई ते अपना पंजाबी कट्ठे बैठे, अंग्रेज फॉरन कंट्री चों अपने हिंदुस्तान च आया, कहिंदा यार अंग्रेजी च मैनूं पता है भी किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां नूं की कहिंदे ने, पंजाबी च तूं मैनूं दसणा है जिहड़ा जिहड़ा मैं पुछूंगा भी की कहिंदे ने इहनां नूं। कहिंदा ठीक है। हुण दोनों जणे किसी प्लेटफार्म ते बहि गए एक साइड ते, उत्थों दी कोई कुत्ता लंघ गया। बड़ी सुणन वाली गल है, बहुत डूंघा मतलब निकलदा है। अंग्रेज पंजाबी दे मूँह वल झाक के कहिंदा इहनूं की कहिंदे ने, कहिंदा भाई साहब तैनूं अंग्रेजी च पता ही होणा है भी इहनूं की कहिंदे, ते साडे पंजाबी च कहिंदे इहनूं कुत्ता कहिंदे। कहिंदा ठीक है। दसां पंद्रह मिनटां बाद उत्थों पंज छे कुत्ते लंघ गए, अंग्रेज फिर पंजाबी दे मूँह वल झाकिया, कहिंदा हुण की कहिंदे ने, कहिंदा पहलां तत्ते नूं कन्ना लगदा सी हुण तत्ते नूं लावां लग गया, थोड़े पहला कला डॉग सी मगर एस लग गया, साढ़े लावा लग गया हुण कुत्ते बन गए। कहिंदा ठीक है, डायरी ते नोट कर लिया। हुण अद्धा घंटा लंघ गया ते उत्थों 30-35 कुत्ते लंघे जाण, अंग्रेज हैरान होके पंजाबी दे मूँह वल झाकिया, कहिंदा हुण की कहिंदे, हुण कहिंदा इहनूं कतीड़ कहिंदे। कहिंदे जिवें इक औगण नाल बंदा इंसान रहिंदा, इक औगण दो औगणा नाल भी बंदा इंसान रहिंदा, तीन औगणा नाल भी बंदा इंसान रहिंदा। जिवें कहिंदे बहुते कुत्ते मिल के कतीड़ बन जांदी है ना, जदों बहुते औगण मिल जांदे ने फिर इंसान नहीं रहिंदा बंदा राक्षस बन जांदा। इहदा मतलब इह है, इह हुण आपां सोचणा है कि आपां इक कुत्ते दी गिणती च रहिणा है कि कतीड़ वाली गिणती च आउणा है, इह आपणे मन दा फैसला है। वैसे कहिंदे कुत्ता सब तो वफादार जानवर गिणिया गया है, अपने किसी तो धर्मराज के दरबार च नहीं पहुंचा गया। एक कुत्ता ऐसा है जिन्हें पीरां फकीरां की पूछ फड़ के सीधा धर्मराज के दरबार च पहुंचे। कुत्ते तो उत्ते वफादार ते परमात्मा की बंदगी वाला जानवर कोई नहीं गिणिया गया। कहिंदे राती जागे करे इबादत, राती जागण कुत्ते पर बंदे आ तैथों उत्ते, मालिक दा दर मूल ना छड़दे भावें सौ सौ वजन जुत्ते, जारूड़ी ते सुते पर बंदे आ तैथों उत्ते। कहिंदे चल बंदे आ चल रब मना लै नहीं तां बाजी लै गए कुत्ते। ये आप सोच ए एक एक गीत नचण कुद नाला ते एक एक लोक।